साईं राम सतगुरु साईंनाथ महाराज की जय। आज मैं आपको एक कथा के बारे में बताती हूँ कि एक इंसान बहुत दुखी था अपनी लाइफ में। उसके दुख जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक परेशानी जाती तो उसके बाद दूसरी परेशानी आ जाती, वो बहुत दुखी था। उसके जो सहन करने की शक्ति थी वो बहुत ही कम हो गई। तो किसी ऐसी महापुरुष के कभी कभी आश्रम जाता था। उसके मन में आया कि मैं इन महाराज जी से पूछूं कि मेरे कभी दुख कम होंगे, जब मेरी ज़िंदगी इन्हीं दुखों के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो उन महात्मा जी के आश्रम में गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि महाराज, आपका तो भगवान जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, आप भगवान जी से प्लीज़ मुझे पूछ के बताएं कि मेरे दुखों का कभी अंत होगा, जब मुझे इन्हीं दुखों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, अब मेरे सहन करने की शक्ति कम होगी। तो महात्मा जी को तरस आया उस पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब ध्यान में होऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा भगवान जी से। तो वो अगले दिन गया और महात्मा जी से पूछा कि आपने मेरे लिए बात की भगवान जी से? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जब ध्यान लगाया तो भगवान जी से मेरी बात हुई। भगवान जी ने कहा कि इसके कर्म ही, पिछले जन्म के इतने कर्म ही इतने बुरे हैं कि इसको दुख तो सहने पड़ेंगे। इसके मतलब दुखों का कोई भी उपाय नहीं है। इसके 7 साल तो इसको दुख सहने पड़ेंगे। ये 7 साल का लंबा टाइम इसके लिए है। इसका मतलब कोई उपाय भी नहीं है जो इससे दुख कम हो जाए। बहुत दुखी हुआ कि मैं तो अभी से टूट गया और 7 साल का तो लंबा टाइम है, उसमें तो मैं शायद ख़त्म हो जाऊंगा। उस घर में आके उसको सारी रात नींद नहीं आएगी। वो सोचने लगा कि मैं अच्छा महात्मा जी से पूछने गया, मुझे तो अब और ज़्यादा चिंता चढ़ गई। ऐसे तो मैं सोचता था कि शायद मेरे दुख जल्दी कम हो जाएंगे, अब 7 साल का तो लंबा टाइम हो गया। तो फिर रात को सोते सोते से मन में आया कि महात्मा जी कहूँ कि भगवान से ना प्रार्थना करके मेरे लिए कोई उपाय पूछ दें, जिससे मुझे अगर दुख तो सहने पड़े पर मुझे अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो वो गया महात्मा जी के पास, कहने लगा कि महात्मा जी, भगवान जी को कहना कि मैं अपने कर्मों का भोग तो भोगने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कोई थोड़ा सा उपाय बता दें कि जो मैं अपना दुख मतलब सहन कर पाऊँ, मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। तो महात्मा जी कहा ठीक है, मैं करूँगा, जब ध्यान में आऊँगा तो भगवान जी से बात करूँगा। वो फिर गया अगले दिन महात्मा जी के पास, कहने के लगा कि आपने भगवान जी से बात की? तो उन्होंने कहा मैंने की। भगवान जी ने कहा कि कर्म तो इसके ऐसे, इसको दुख तो भोगना पड़ेगा, पर एक उपाय है जिससे इसको थोड़ा रिलीफ हो जाने। वो बोला महात्मा जी क्या उपाय है, मुझे बताओ, मैं वो जरूर करूँगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि भगवान कहने लगे कि ये सारा दिन अपने दुखों का रोना पीटना हाय तोबा करता रहता है, सबके आगे जो भी मिलता है उसके आगे अपने दुखों का रोना करता रहता है, इसको सारा दिन मतलब दुखों के रोने के सिवा कोई काम ही नहीं है, इसको कहो कि दुखों का रोना बंद कर दे, भगवान के आगे शुक्र करे, भगवान को कहे कि भगवान जो आपने दुख दिए, शायद मैं इसके काबिल था, मेरे ऐसे कर्म थे, आपका शुक्र है भगवान जी, आपका शुक्र है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये तो बड़ा आसान उपाय है, मैं करूँगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुझे ये उपाय दिल से करना है, ऊपर से नहीं, दिल से तूने भगवान जी का शुक्र करना है। वो कहने लगा ठीक है। वो घर आया, बोला ये तो आसान उपाय, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो मैं ये उपाय जरूर करूँगा। तो वो जब भी भगवान की प्रार्थना करता तो कहता भगवान जी आपका शुक्र है, आपने मुझे ये दुख दिए हैं, भगवान जी शुक्र है, ये शायद मेरे कोई इतने बुरे कर्म होंगे जिसका फल मुझे ये मिला है। फिर वो ऐसे कहते कहते वो रोज़ ऐसे कहने लगे। और फिर भगवान को ये भी प्रार्थना करता कि भगवान जी आप दुख में मेरे साथ रहना, अगर ये दुख आए तभी तो मैं आपको इतना याद कर रहा हूँ, अगर मेरे पास सुख होते तो कहाँ आप मेरे पास होते, अब तो आप मेरे पास हो, मैं सारा दिन आपका भाई नाम ले रहा हूँ। तो ऐसे नाम लेते लेते उसको 2 दिन हुए, उसको अच्छी नींद आने लगी। उसके जो उसको लगा कि मेरे दुख तो कम होने लगे, वो कहने लगा कि ऐसे करने में तो बहुत ये बहुत बड़ी पावर है। वो मतलब सारा दिन यही भगवान का शुक्र उसके मुंह में यही रहता, भगवान जी आपका शुक्र है, भगवान जी मेरे मतलब कर्मों का ये ऐसा फल है, आप मेरे साथ रहना, भगवान जी शुक्र है जो दुख दिए हैं। ऐसा कहते कहते हफ्ता हुआ तो उसको बहुत रिलीफ महसूस हुआ, उसको लगा कि उसके दुख ही दूर हो गए। वो तो कहने लगा कि महात्मा जी तो कहते थे कि 7 साल है, भगवान जी कहते हैं मेरे दुख तो 7 दिन में ही कम हो गए। फिर वो महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी कहने लगे कि तूने ना भगवान की रजा में राजी होना सीख लिया, भगवान की रजा में राजी होना सीख लिया तो जो तुझे अपना दुख है वो दुख लगता ही नहीं। तो अगर हम भगवान की रजा में राजी होना सीख लें तो हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वो बहुत खुश हुआ। तो इसका सार यही है कि हमें अगर हमारे ऊपर दुख भी आते हैं तो हमें उसका रोना नहीं रोना चाहिए। अगर आप दुखों का रोना पीटना रोगे तो वो आपके कम नहीं होंगे, आपके बढ़ेंगे, आपका लोग भी मजाक उड़ाएंगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जो आपके दुख हैं भगवान को कहो कि भगवान शायद आपका शुक्र है, मैं इसी लायक था, मेरे को एक पिछले जन्म के कर्म है, जो मुझे ये दुख मिले हैं वो कट रहे हैं, पर इतनी प्रार्थना करो कि भगवान जो ये दुख है इनको काटने में आप मेरे साथ रहो, मेरी सहायता करो। अगर हमने ऐसा कहना सीख लिया तो जो हमारे दुख
रखे हैं वो हमें बहुत कम लगेंगे और हम भक्ति की प्राकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए सच है कि आप अगर दुख भी आते हैं तो आप उनमें थोड़ा खुश रहना सीखो। अब ये बात मेरे ऊपर भी स्टिक होती है, जब मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम्स थी, मैं बाबा की शरण में गई तो मैं जब दो बार शिरडी गई, तीसरी बार मैंने कहा कि मैं बाबा नहीं आऊँगी अगर मेरा आपने मेरे जो दुखों को दूर नहीं किया। फिर पर बाबा का जो प्यार था वो बढ़ चुका था, तो मैंने कहा कि बाबा मेरी मन्नत या कुछ भी है वो गया भाड़ में, मैं तो शिरडी आऊँगी। और उसके बाद आप मानो मैंने बाबा से मांगना ही छोड़ दिया। मैं सोचती अगर मैं बाबा से मांगूंगी और बाबा ने ना दिया तो बाबा के लिए गुस्सा आएगा, बाबा के लिए थोड़ी भक्ति भी कम हो जाएगी, बाबा के लिए प्यार हो, जो बाबा का प्यार थोड़ा मैं कम नहीं होने देना चाहती थी। तो बाबा ने भी मेरी श्रद्धा और सबूरी देखी, बाबा हर कदम पे मेरे साथ रहे। दुख आए तो उन दुखों को सहने में बाबा ने मेरी बहुत सहायता की, बहुत हेल्प की, मैंने बहुत खुश रहना सीख लिया। जो हमारी खुशी है वो धन दौलत से नहीं है, वो हमारी जो है कि अंदर मन की जो खुशी है ना, मन का सुकून, वो मेरा मन का जो सुकून था वो मेरे बाबा थे, मैंने उनको पा लिया था। धन दौलत मुझे बहुत बाद में मिली पर मैंने बाबा को पा लिया था। जो बाबा की भक्ति थी ना वो मेरे लिए हीरे जवाहर मोतियों से भी बढ़कर थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके ऊपर आप हमेशा खुश रहना सीखो और भगवान की शरण में रहो और उन पर हमेशा ही विश्वास रखो। ओम साई राम।